हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं बड़ी गेम टीवी चैनल। आज हम बात करेंगे WWE की। तो WWE ने किया क्या क्या, बड़े रेसलर को कर दिया रिलीज़। तो बात की जाए तो ब्रॉन स्ट्रोमन की, तो WWE ने ब्रॉन स्ट्रोमन को कर दिया है रिलीज़। तो क्या रीज़न है, क्यों WWE ने एक अच्छे रेसलर को रिलीज़ कर दिया? आपने देख सकते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन एक बिग सुपर स्टार बन चुके थे, तो WWE ने अब उसको कर दिया है रिलीज़। तो WWE ऐसा क्यों कर रही है, अच्छे अच्छे रेसलर को करी जा रही है रिलीज़। और लेस्टर ब्लैक की बात की जाए तो आपने देखा कि लेस्टर ब्लैक ने सालों बाद रिटर्न किया और लेस्टर ब्लैक को भी कर दिया WWE ने रिलीज़। तो ऐसा क्यों WWE ने किया, एक अच्छा रेसलर था लेस्टर ब्लैक भी, लेकिन WWE ने रिलीज़ कर दिया। बात की जाए तो बर्डी मर्फी की, तो बर्डी मर्फी को तो आप सब भी जानते होंगे। बर्डी मर्फी भी एक अच्छा रेसलर है, उन्होंने बहुत बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी, WWE ने उनको भी रिलीज़ कर दिया। ये क्या हो रहा है WWE में, WWE क्यों अच्छे अच्छे रेसलर को रिलीज़ करी जा रही है? तो दुख सब फैंस ने रिएक्शन किया है इस बात पे। और बात की जाए तो मुस्तफाली एंड मंसूर की बनने वाली है टैग टीम। पिछली डो पर हमने देखा कि मुस्तफाली ने कहा कि मुस्तफाली की मीट हुई मंसूर से, मुस्तफाली ने मंसूर को थोड़ा समझाया। और क्या WWE मुस्तफाली और मंसूर की बना सकती है टैग टीम? और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, आपको वीडियो भेजेंगे। थैंक यू एंड शुक्रिया।